सदगुरु नमस्कार श्राद्ध करने का क्या महत्व है जीवन की अभिव्यक्ति ऐसी है आपके समझने के लिए मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं एक जीवन और एक भौतिक जीवन होता है भौतिक जीवन की अभिव्यक्ति को देखें तो भौतिक जीवन ऊर्जा जिसे आमतौर पर प्राण कहते हैं उसकी पांच बुनियादी अभिव्यक्तियां हैं दस हैं पर उससे जटिल हो जाएगा पांच बुनियादी अभिव्यक्तियां इन्हें समान प्राण उड़ान अपान और व्यान कहते हैं मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को देख रहा है और उसने एक निश्चित पल में घोषित कर दिया कि वो मर चुका है अगले 21 से 24 मिनट में समान निकलने लगता है इसका अर्थ है कि समान शरीर का तापमान बनाए रखने का काम करता है पहली चीज यह होने लगेगी कि शरीर ठंडा होने लगेगा 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकलता है उसके बाद 6 से 12 घंटे के बीच उड़ान निकलता है उड़ान निकलने से पहले तक ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है मगर उड़ान के निकल जाने के बाद एक बहुत छोटी संभावना होती है पर वो एक अव्यवहारिक संभावना है सिवाय उसके उड़ान के निकल जाने के बाद शरीर को फिर से जीवित करना असंभव है अगली चीज है अपान ये आठ से अठारह घंटे के बीच निकल जाता है व्यान जो प्राण की संरक्षक प्रकृति है उसके बाद निकलने लगता है वो ग्यारह से चौदह दिन तक निकलता रह सकता है अगर वो एक सामान्य मृत्यु हो तो यानी अगर कोई अधिक आयु से मरा जीवन के कमजोर होने से गया ऐसे व्यक्ति के लिए 11 से 14 दिन तक शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिनसे पता चलता है कि जीवन का कोई तत्व बाकी है जैसे नाखून बढ़ते हैं चेहरे के बाल इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं अगर कोई दुर्घटना से मरा है या दूसरे शब्दों में जीवन के जीवंत होते हुए वो मर गया जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह कुचल चुका है शरीर बचा हुआ है उस जीव के स्पंदन 48 से 90 दिनों तक रहेंगे तो उस समय तक आप उस जीव के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं आप उस जीव के लिए क्या कर सकते हैं देखिए मृत्यु होने पर यह होता है मृत्यु का आपका अनुभव यह है कि कोई चला गया पर उस व्यक्ति का अनुभव यह है कि उसने शरीर छोड़ दिया है और क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है अब आप उससे जुड़ नहीं सकते आप उसे पहचान नहीं सकते और अगर वो वापस आ जाए तो आप डर जाएंगे जिनसे आपको प्रेम है अगर वो वापस आ जाए तो भय होगा प्रेम नहीं क्योंकि आपका संबंध या तो उनके शरीर से है या उनके चेतन मन और भावनाओं से ये चीजें पीछे छूट गई हैं, शरीर पीछे छूट गया है और चेतन बुद्धि और समझदार मन पीछे छूट गया है अब मन के रूप में ये सिर्फ सूचना का एक ढेर है जिसकी अपनी प्रवृत्तियाँ हैं कुदरती प्रवृत्तियाँ जो एक निश्चित रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं समझदार मन नहीं है जब समझदार मन नहीं होता अगर आप सुखदता की एक बूंद ऐसे मन में डालें जिसके पास समझ की क्षमता नहीं है बुद्धि नहीं है तो ये सुखदता लाख गुना बढ़ जाएगी अगर आप दुख की एक बूंद डाल दें तो वो दुख लाख गुना बढ़ जाएगा यह आपके बच्चे की तरह है जिसके पास जरूरी समझदारी नहीं है वो खेलने जाता है और नहीं जानता कि वापस कब आना है जब तक वो थक नहीं जाता और खेलने की शक्ति नहीं बचती तब तक वो खेलना चाहता है क्योंकि उसके पास जरूरी समझ नहीं है कि ये जाने का समय है इसी तरह ये एक चरम स्थिति है वे बच्चों से कहीं आगे होते हैं उनमें समझदार मन पूरी तरह गायब होता है तो अब आप उनमें जो भी गुण डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगा is is इसे ही नर्क और स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप एक सुखद स्थिति में होते हैं तो इसे स्वर्ग कहते हैं अगर आप एक अप्रिय स्थिति में होते हैं तो उसे नरक कहते हैं ये भौगोलिक स्थान नहीं है ये अनुभव के स्तर की सच्चाइयां हैं जिनसे शरीर से अलग हो चुका जीव गुजरता है लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं आज उसे कितने अच्छे से किया जाता है या कितने हास्यपद तरीके से वो एक अलग बात है लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग अलग स्तरों पर क्या करना है